अपने नोट्स कंपाइल कर सकते हैं तो उसके लिए देखनी पड़ेगी आपको आज की मेरी ये वीडियो असलम आई एम वारिशाद एंड यू आर वॉचिंग डब्ल्यू एस स्टूडियो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंपाइलेशन ऑफ दिस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ओली प्रॉफिट पीस बी अपन एम एंड आफ्टर इज डिमाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सी आई एस के परस्पेक्टिव से uh, इसके अंदर हम जो है दो चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके दो परस्पेक्टिव जो है उनको डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो है वो ये है कि रसोल्ला सल्ला वसलम का पीरियड जो है उसमें कंपाइलेशन हदीस की कंपाइलेशन कैसे हुई और जो सेकंड पीरियड जो है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि रसुल्ला वसल्लम जो है उनकी जब डिमाइस हो गई तो उसके बाद इस नॉलेज को इस हदीस को जो है किस तरह से किन कैटेगरीज़ के अंदर कम्पाइल किया गया तो बेसिकली इसके जो है ये तीन पीरियड्स बनते हैं आप एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है ये देख सकते हैं स्क्रीन पर राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन द वेज़ इन विच हदीस वाज कम्पाइल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑली प्रोफिट सल्ला वम और आफ्टर डिमाइस तो उसके लिए हम मूव uh, करते हैं सबसे पहले पैराग्राफ की तरफ़ और इसके अंदर हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख देंगे रसोल्ला सल्ह वसम को जो है उनका ये जो पूरा प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपने डिफ़न करना होता है हदीस बेसिकली मतलब क्या है uh, हदीस जो है uh, ये रसोल्ला सल्ला वसम के वर्ड्स हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से बोले हुए हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बेसिकली वर्ड्स हैं सेइंग ऑफ अली अलैहि वसल्लम एक्शंस ऑफ अली प्रॉट पीस बी अपॉन हिम और साइलेंट अप्रूवल ऑफ़ द दली प्रॉफिट अलैहि वसल्लम तो इन सारी चीज़ों को जो है हदीस कहते हैं और रसोल्ला ने जो अपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड की मॉडल ऑफ एक्सीलेंस हमारे सामने रखा उसको हम सुनना कहते हैं मीनस रसुल्ला वसलम का जो वे ऑफ लाइफ था वो हमारे लिए सुनना है तो ये पहले बेसिकली हम थोड़ा पहले पार्ट पहला पार्ट जो होगा उसमें इसको डिफ़ाइन करेंगे और डेफिनेशन देने के बाद फिर आपने जो है मूव करना है नेक्स्ट जो फ्यू लाइंस होगी उसके अंदर आपने डिस्क्राइब करना है कि जो फ़र्स्ट पीरियड है ये एक्चुअली एक तरह का कह सकते हो कि आप ऑथेंटिक पीरियड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस है रीज़न उसकी ये है कि रसोल सल्ह वसलम की अपनी लाइफ के अंदर कंपेनियन उनके सामने हदीस जो है उसको कंपाइल करते रहे तो इनिशियली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं किया कि लोग जो हैं यानी उनके जो कंपेनियन है वो हदीस को नोट डाउन करें उनके नोट्स बनाएं उसकी रीज़न ये थी कि, कि कुरान सेम टाइम पर कंपाइल हो रहा था और सारा फोकस जो है वो कहीं कुरान पर जो है वो ना चला जाए तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आइडिया को इतना पसंद नहीं किया बट कुछ कंपेनियन जो है वो रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 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 बात कही कि यार रसूल्ला हमारी मेमोरी का इशू है जैसे कि हज़रत अबू हुर रज हो जिनका रियल नेम जो है वो अब्दुलरमान है आ, लेकिन वो उनका नाम जो है अबू हुरैरा पड़ गया बेसिकली वो ये पीछे क, इसके पीछे भी एक स्टोरी है हजरत अबू हुरैरा जो है वो एक दफ़ा अपनी आ, एक कैट के साथ बेसिकली हुरा का मतलब जो है वो बिल्ली बिल्ली को कहते हैं कैट को कहते हैं तो हज़रत अबू हुररा जो एक दिन बिल्ली के साथ खेलते हुए ऐसे आ रहे थे तो रसोल्ला की नज़र पड़ी तो रसोल्ला ने प्यार से उनको जो है अबू हुरारा कह दिया फ़ादर ऑफ़ कैट तो उनको ये नाम इतना टाइटल इतना पसंद आया उन्होंने अपना नाम ही रख लिया बेसिक नाम जो था बेसिकली उनका नाम अब्दुल रहमान बिन सोगर था सो तो अबू रैरा जो है ये रसोल्ला के पास आया और उन्होंने रसोल्ला से ये रिक्वेस्ट की कि यार रसोल्ला मैं बात जल्दी भूल जाता हूँ तो आप ऐसा करें कि मुझे इजाज़त दे दें जो आप कहा करते हैं मैं उसको लिख लिया करूँ तो इस तरह रसोल्ला सल्ला वसलम ने फिर आता आहिस्ता कंपेनियंस को जो है ये परमिशन दे दी तो लोग जो है वो लिख लिया करते थे तो ये उनकी डायरेक्ट सुपरविजन जो है उसके अंदर होता था तो इस पीरियड के अंदर आपने जो मेन पॉइंट्स हैं ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इन्हीं के ऊपर फोकस करना है कि एक तो उनका जो वे था वो ये था कि वो लोग जो है ये या तो उसको मेमोराइज़ कर लिया करते थे चीज़ों को या उनको लिख लिया करते थे या फिर अपने एक्शन से जो है उनको परफॉर्म कर लिया करते थे तो रसुल्लै वसलम से परमिशन लेने के बाद जो प्रोमिनट कम्पेनियन है जिन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया उनमें सबसे अगर हम मेन कम्पेनियन की बात करें तो उसमें हज़रत अब्दुल्ल बिन उमर है दैन उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजील तु ये बड़े प्रोमिनट कम्पेनियन है हज़रत उमर बिन सॉरी हज़रत जो अब्दुल्ला बिन उमर की मैं बात कर रहा हूँ इनकी अगर हम बात करें इनकी इनकी फ़र्स्ट जो बुक है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इनकी जो फ़र्स्ट बुक है उसको सही सईफ़ा सदका कहते हैं यही वो बुक है जिसकी बेस पे इमाम मालिक ने अमो लिखी और फिर उसी के बाद इमाम बुखारी जो हैं आ, उन्होंने सही अबुखारी जो है उसको कंपाइल किया तो आप एक बेंच मार्क जो है वो कह सकते हैं सही फाल का है कि ये हिस्ट्री के अंदर कंपाइलेशन ऑफ हदीस पे सबसे पहली कंपाइल्ड बुक जो थी सबसे पहली बुक जो थी वो सही वो वो ही थी तो इसमें हज़रत आयशा का नाम भी आएगा हज़रत अली का नाम भी आएगा हज़रत अबू बकर का नाम भी आएगा तो ये वह प्रोमिनंट कम्पनींस थे जो रसोल्ला सल्ला वसलम की सुपरविजन में उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में हदीस जो है वो लिख लिया करते थे तो ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा इसमें आपने इसी तरह से इन चीज़ों को जो है वो लिख दिया करना है दैन उसके बाद आग आ जाएगा हमारा सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ में हमने जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो है सेकेंड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन फर्स्ट पीरियड तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम हो गई सेकेंड पीरियड में हमने जाना है कंपेनियन के बाद ताबी ता की तरफ तो ये फोर कैटेगरीज जो हैं इनको भी स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पहले पता होना चाहिए कि अथॉरिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अथॉरिटी के बाद जो सेकेंड अथॉरिटी है ये उनके कंपेनियन है इनको साहबी बोला जाता है साहबी के बाद जो उनके बाद नेक्स्ट अथॉरिटी जो है ये उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको ताबी बोलना है या सक्सेसर्स ऑफ़ कंपेनियन बोलना है देन उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उनको कहा जाता है तबा ताबी तबा ताबी का मतलब होता है सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर्स यानी जो ताबी के आगे स्टूडेंट्स थे या जो नॉलेज उन्होंने आगे अपने स्टूडेंट्स को दिया तो उनको कहेंगे सक्सेसर्स ऑफ सक्सेसर तो इस तरह की ये कैटेगरी है जिसको आपने जो है ये अच्छी तरह से याद कर लेना है अच्छा तो अब हम आएंगे सेकंड पीरियड का स्टार्ट में लेंगे सेकंड पीरियड को हम इस तरह से बताएंगे कि ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट पीरियड है इसके अंदर अब स्टेट जो है ये ख़ुद इन्वॉल्व हो गई स्टेट की अगर हम बात करें तो हम क़ैलिफ़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ ही वॉज़ द कैलिफ ऑफ दैट टाइम तो उसने उन्होंने क्या किया यॉम द कमेटी इन नाइनटी नाइन ए एच और उसके अंदर उन्होंने जो प्रोमिनेंट उस वक्त के जो मुहदसिन थे महदसिन उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है कुरान और सुन्ना का तो उन्होंने जो प्रोमिनेंट महदसिन थे थे उनको इस पर आप कह सकते हैं कि उनको ये जो ड्यूटीज़ हैं वो असाइन कर दी और हदीस की जो प्रॉपर बुक्स जो हैं वो इस पीरियड के अंदर कंपाइल हुई तो दो टू टाइप्स ऑफ बुक्स वर कम्पाइल्ड जो उनके अगर हम नाम की बात करें तो एक का नाम मुसनत था और दूसरे का नाम जो है वो मुसनफ था तो सबसे पहले हम बात जो है वो करेंगे मुसनत की मसनत जो हदीस थी ये एक ऐसी बुक थी जिसके अंदर हदीस को कंपाइल किया गया बट इसके अंदर जो उनकी कैटेगरीज हैं वो ना तो कोई चैप्टर्स बनाए गए ना कोई टॉपिक्स बनाए गए ये बेसिकली चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स जो हैं उनके परस्पेक्टिव से उनके नेम्स के साथ अल्फाबेटिकल जो नेम थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इन हदीस को जो है ये कंपाइल किया गया ये बड़ा मुश्किल होता था किसी हदीस को फ़ाइंड करना क्योंकि चूंकि हदीसें जो थी वो बेसिकली कम्पेनियंस के नेम के साथ हैं इज़ाम्पल के तौर पर अगर अब वर्ड आ रहा है अरबी में अरबिक में अगर अलिफ़ वर्ड आ रहा है तो अलिफ के नाम से अब अगर अबू बकर की हदीसें हैं जो हज़रत अबू बकर ने रिपोर्ट किया जिनके नरेटर हज़रत अबू बकर हैं तो वो सिर्फ़ हज़रत अबू बकर की सारी हदीसें जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी लेकिन उसके अंदर ये नहीं पता चलेगा कि किस टॉपिक के ऊपर हज़रत अबू बकर ने कौन सी हदीस जो है वो नरेट की है Uh, मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ अगर मुझे नमाज के बारे में हदीस ढूंढनी हो तो वो चैप्टर वाइज तो होनी नहीं थी तो वो ढूंढना फिर बहुत मुश्किल हो जाता था तो इसलिए ये जो पहली थी एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट ही था तो इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो इमाम अहमद बिन सॉरी अहमद बिन आ, हम्बल जो है ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जो उस टाइम पे बनाई गई देन उसके बाद दूसरी जो सेकंड टाइप ऑफ बुक ऑफ हदीस जो थी वो कंपाइल की गई और उसका नाम रखा गया मुसनफ़ तो ये एक बड़ी कॉम्प्रिहसिव uh, बुक थी बड़ी एक डिटेल थी और इसके uh, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी बुक थी इसके अंदर बहुत सारी uh, चीज़ें जो हैं वो चेंज की गई सबसे पहले तो टॉपिक uh, वाइज़ जो है uh, उनको डिफ़ाइन किया गया चैप्टर्स वाइज डिफाइ उनको डिस्क्राइब किया गया तो ये बड़ी एक आसान भी था इसमें हदीस को फाइंड करना तो इसमें ये नहीं कहा देखा गया कि जी किस कंपेनियन uh, ने दिया बेसिकली इसमें चैप्टर्स बना दिए गए और uh, उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है उन हदीस को जो है वो कंपाइल किया गया तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं एक तो इमाम मालिक की मुता है दैन आज के दौर में आप अगर हम देखें तो सही अल बुखारी या सही मुस्लिम जो है ये भी मुसनफ़ कैटेगरीज़ में आती हैं यानी इसके अंदर भी आपको चैप्टर्स मिलते हैं और उन चैप्टर वाइज हदीस जो है उनका नॉलेज जो है वो हमें मिलता है तो ये दूसरी टाइप की बुक थी जिसको कंपाइल किया गया इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये जैसे मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शो की है आपने इसी तरह से उनको जो है याद कर लेना है ये बहुत अच्छी तरह से इनको याद करना है ये बी पार्ट के अंदर टाइम एग्जामिनर आपसे पूछ भी लेता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन हदीस एंड हदीस तो ये उसी कैटेगरी में भी आ जाते हैं और इधर भी आपने इसको मेंशन करना अब पैराग्राफ नंबर थ्री की तरफ आते हैं पैराग्राफ नंबर थ्री ये फैब्रिकेशन पीरियड है इसको हमने बताना है ये जब सेकंड पीरियड कंप्लीट हो गया और बहुत सारे कंपेनियंस जो हैं उनकी भी चूके डेथ हो चुकी थी और उनके आगे जो सक्सेस थे यानी उनके जो स्टूडेंट्स थे जिनको हम ताबी कहते हैं तो ताबी जो है ताबीन कराम जो थे वो इस पे इस नॉलेज पे इस काम कर रहे थे तो ये काम जो था ये बहुत ज़्यादा इस पर बड़ी मतलब एक रिस्पेक्ट थी उन लोगों की बड़ी ऑनर थी उनकी वो बहुत ऑनरेबल होते थे सोसाइटी के अंदर और बड़ी प्रिविलेज मिलती थी उन लोगों को तो इस पे इस पूरी चीज़ को इसका कहीं कहीं ना कहीं मिस यूज़ भी हुआ आ, कुछ वो लोग जो थे जो आ, वो प्रिस्टीज लेना चाहते थे वो प्रिविलेज लेना चाहते थे वो ऑनर लेना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने आ, खुद से हदीसें बनाना शुरू कर दी यानी आप यूँ कह कह सकते हैं कि फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दी तो ये पीरियड बहुत एक डेंजरस पीरियड आ गया हदीस के परस्पेक्टिव से तो अब ज़रूरत थी इस चीज़ की आ, एक डाइंग नीड थी कि देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स रूल्स और कुछ इस तरह के प्रिंसिपल जो है वो सेट किए जाएँ जिसके अंदर जेनवन हदीस और फेब्रिकेट हदीस जो है उसको उसको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो फिर रूल्स बनाए गए स्टैंडर्ड्स बनाए गए और इसकी uh, वो जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं में से एक टेक्निक जो है उसको यूज़ किया गया और उस टेक्निक का नाम जो है वो असमा और रिजाल एक टेक्निक है इसका इसको आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट किया गया असमा और रिजाल बेसिकली क्या था असमा और रिजाल इस टेक्निक के अंदर ये नाम से ही जाहिर है असमा इसम मीन नेम से निकला है तो इसमें रसोल्ला सल्ला वसलम से लेके ताबीन तक यानी जो सक्सेस ऑफ सक्सेस हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई और वो लिस्ट जो है उनमें उनके नेम्स उनके फादर नेम उनका ऑकुपेशन उनका पीरियड ये सारे का सारा जो है ये डिस्क्राइब किया गया और उससे ये फाइंड आउट करना आसान हो गया कि कौन सा कंपेनियन जो है और कौन से उनके स्टूडेंट जो हैं वो किस पीरियड के अंदर आए और उन्होंने अदीस को रिपोर्ट किया और या नरेट किया तो वहाँ से चेन बनाई गई और वो चेन जो है वो किसी कंपेनियन के साथ मिलाई गई और उस कंपेनियन से वो चेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलाई गई तो अगर तो वो चेन जो थी वो रसूलुल्लाह तक जाती थी तो उस हदीस को एक्सेप्ट कर लिया जाता था और अगर वो चेन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती थी आ या कहीं उसके अंदर कोई फ्लॉज आ जाते थे तो फिर उस हदीस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था तो ये बेसिकली फेब्रिकेशन पीरियड था और इसमें यह रूल जो हैं ये सेट किए गए ये सारी बातें आपने पैराग्राफ नंबर थ्री के अंदर पुट करनी है पैराग्राफ नंबर फोर की तरफ आते हैं और इस पैराग्राफ़ को जो है ये हमने देना है सारी बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे आ, ये गोल्डन पीरियड है तबाता ताबीन का पीरियड है आ, और इन तब तबीन में आ, इन्होंने क्या किया रूल्स स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स जो हैं ये सेट कर दिए गए हदीस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया एक नाम रखा गया उसका आ, सनद और दूसरा नाम जो है वो रखा गया मतन सनद कहते हैं चेन को यानी किस कंपेनियन ने हदीस आप तक पहुंचाई है मैं इसकी एक एग्जांपल स्टूडेंट्स को देता हूं ताकि एक अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए हम एक हदीस ले रहे हैं तलब अल्लम फ़रीदत यानी टू सीक नॉलेज इज़ ऑब्लीगेटरी टू एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन अब ये हदीस ये एक्चुअल वर्ड है रसूल सल्ह वसलम के इस हदीस को नरेट करने वाले एक कंपेनियन है हम इग्ज़ाम्पल के तौर पर हज़रत अबू बकर ले लेते हैं मैं ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ हज़रत अबू बकर से ये बात सुनते हैं एक उनके सक्सेसर हैं हम उनका नाम ए जो है वो अज्यूम कर लेते हैं ए ने ये बात आगे बताई बी को बी से ये बात जो है ये सी तक पहुंचती है तो अब जब सी तक बात पहुंची तो सी से पूछा गया जी आपने ये बात किससे सुनी सी ने कहा जी मैंने ये बी से सुना है बी से हमने पूछा जी बी को बात किसने बताई बी ने कहा जी मैंने ए से तो ए से पूछा गया ए ने कहा जी मैंने हजरत अबोबकर रजील तन से सुना तो हज़रत अबू बकर सदीक ने, ने रेड किया कि मैंने तो ये रसूल सल्ला वसलम से सुना तो अब हज़रत अबू बकर से लेके सी तक की जो कैटेगरीज हैं सी तक के जो लोग हैं इनको हम कहेंगे चेन ऑफ ट्रांसमीटर और इस सारी चीज़ को जो है ये हम कहेंगे इसनाद तो अब जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं रसोल्ला सल्ला वसम के वो थे तलबिल्मरीदत आकमसम यानी ये जो टेक्स्ट है इस सारी चीज़ को कहते होते हैं सेकेंड पार्ट और इसको मतन कहा गया मतन का मतलब था एक्चुअल वर्ड एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ हदीस तो ये दो पार्ट्स uh, बना दिए गए और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग हदीस को क, को जो है वो कंपाइल किया गया बड़ा uh, अच्छा पीरियड था गोल्डन पीरियड ऑफ हदीस भी हम इसको कह सकते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ कंपाइलेशन भी कह सकते हैं उसकी रीज़न यही मैंने रूल्स बना दिए रूल्स बता दिए आपको कि ये रूल्स बना दिए गए और इन रूल्स के अकॉर्डिंग हदीस का नॉलेज जो है वो अप्लाई uh, किया, uh, किया गया और हदीस को कम्पाइल किया गया तो इस पीरियड के अंदर सिक्स मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस जो थी आ, दे देवर कम्पाइल्ड विच आल्सो नोन एज सियासत्ता इनकी लिस्ट जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये इमाम बुखारी उनमें प्रोमिनेट आते हैं इन्होंने अपने अपनी पूरी लाइफ जो है उसके अंदर सिक्सटीन ईयर्स स्पेंड कर दिए सिक्स हंड्रेड थाउजेंड हदीस जो है ये इन्होंने कलेक्ट की और आप इसमें यहाँ से इमेजिन कर लें कि एक शख्स जिसने सोलह साल हदीस कलेक्ट की हो छः लाख हदीसें इकट्ठी की हों तो उन छः लाख के अंदर सिर्फ सेवन हंड्रेड सॉरी सेवन थाउजेंड अदीस जो थी सात हज़ार के करीब अदीसें जो थी वो उन्होंने आ, आ, इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने डिसाइड किया कि ये ठीक हैं और बाकी सारी हदीसें जो हैं वो फेब्रिकेटेड हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्लॉज थे कहीं ना कहीं उनके अंदर एरर्स थे तो हजरत इमाम बुखारी जिनका रियल नेम मोहम्मद बिन इसमाइल था इन्होंने बाकी हदीसें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की और अपनी बुक जो है सही अल बुखारी उनके अंदर इनको जो है वो लिखा तो ये बाकी भी आप दे सकते हैं देख सकते हैं जो बाकी लोग थे उस वक्त के जो कंपाइलर्स थे तबाहबी के पीरियड के अंदर तबीन के पीरियड के अंदर तो ये उनके नाम है और उनकी बुक्स जो हैं ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इसी तरह से ये पैराग्राफ नंबर फोर है आ, इसको आपने कर लेना है तो इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक जो है ये कम्प्लीट हो गया आ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आ, वैसे भी अगर आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखें या ओवरऑल देखें हदीस के नॉलेज के परस्पेक्टिव से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चल सके कि हदीस जो है ये किस तरह हम तक पहुंची है तो इन सिक्स मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स कंपाइल होने के बाद वो जो एक एरर का इशू था या वो फैब्रिकेशन का इशू था वो परमानेंटली सॉल्व हो गया और इन लोगों की एफ़र्ट्स की वजह से आज हमारे पास जो है हदीस की बुक्स यानी सियासत जो है वो मौजूद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़